फिर एक बार मैंने इसको फ्राई किया। आज मैं जा रही हूँ, यहाँ भी दिखा देना। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी मंचूरियन। अभी डाल दिया इसमें मैंने लहसुन, और इधर मैं पकौड़े कर रही हूँ, और लहसुन डाला, अदरक, गार्लिक, जिंजर, दोनों बारीक कटिंग करती है ना। अभी मैं कट कर रही हूँ हरी मिर्ची एकदम बारीक बारीक। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत शौक है कुकिंग करने का। मेरे पकौड़े भी छन रहे हैं, दोनों काम साथ साथ में हो रहे हैं। अभी डाल दी मैंने इसमें हरी मिर्ची, डाल देती हूँ बस पहले। फिर उसके बाद डाला ऑनियन बारीक कटा हुआ। मुझे ऑनियन चाहे कोई भी सब्जी में ना डालो, आपको एकदम बारीक करना है एकदम, है ना। चॉपर से कर लो, या मैं तो चॉपर से तो खींचने के बजाय ऐसे बारीक कर लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। फ्राई करना है, और इधर हो रहे हैं मेरे पकौड़े रेडी। इनको डालना है मुझे, पेपर में नीचे ही रखना है, हो जाएगा तो फिर नीचे से साफ कर लेंगे। तेल ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, पर मुझे वेट कम करना है, फिर भी मन नहीं मान रहा है, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी मंचूरियन। संडे सैटरडे ऐसे बनाना पड़ता है, और अच्छा भी लगता है। मुझे ना कुकिंग करना बहुत मज़ा आता है, मुझे खाना बनाने की ना कभी कभी कोई टेंशन नहीं रहती है, चाहे कोई घर पर आ जाए होगा, मुझे मज़ा आता है खाना बनाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, ठीक ही होती है। कोई आ भी जाएगा खाना बहुत अच्छे से बनाओ, मज़ा आता है। सामने वो भी बनता रहेगा। मैंने रख ली अपनी पूरे सॉस, ये सॉस हो गई, और ओपन होगा वाली सॉस डालूंगी। कोई कोई मेरे अभी यूज किए वाले भी है ना, पहले वो वाले यूज करेंगे। रेड हाँ वाला कर ले, जो बंदी है वाला, तो अभी ऑनियन ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ब्राउन का कुछ ना, तो ब्राउन एकदम नहीं करना है। फिर इसमें डालना है कैप्सिकम, और ये मैंने ग्रीन ऑनियन होता है ना उसकी लीफ, ऊपर से गार्निश के लिए डालूंगी,
फिर हरा वाला धनिया कट करूँगी। और कैप्सिकम को ज़्यादा नहीं पकाना है ना। आवाज़ आ रही है। इसको हल्का पकने के लिए मैं इसमें स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल दिया। इसको हिलाओ ऐसा हल्का सा, ऐसा फुल कर दीजिए, फुल भी नहीं अपने हिसाब से कि लगे ना मुझे। चलिए यहाँ दोनों काम हो गए मेरे, क्योंकि मैंने ये पकौड़े एक बार ना पहले क्रंची होने के लिए हल्के हाथ ओके थे, अभी मैं इनको डीप कर रही हूँ और गर्म भी हो जाएंगे और अंदर तक इनके थोड़ा क्रंची क्रंची बनेंगे, फिर अच्छा लगेगा है ना, मज़ा आएगा खाने में। ये क्या है, कभी जैसे आप बाहर जा रहे हो ना तो पहले ये सब तैयार करके चला गई। मैं भी आज तो संडे था तो फसल के काम जाना हम बाहर, मुझे अच्छा लगता है छुट्टी में ना, और तो लोग बिजी जाते हैं तो थोड़ा पति के काम भी जाना जरूरी है, कभी गोभी मंचूरियन खाने में भी अच्छा लगता है। अभी दोनों तरफ कर जा मेरे काम, इसको स्लो कर देते हैं ऑयल हैंग हो रहे हैं, मैंने चावल रखा है और इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर पाउडर है ना जो उसमें 2.5 स्पून इसको इसका मिक्स किया है, इसको रखा है। अभी इसके अंदर डालूंगी मैं रेड चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस डाल दिया तो चटपटा अच्छा लगता है। तो मुझे तो उतना वो नहीं है, ये बेटे को पसंद हो जाता है थोड़ा, बच्चे कोई बात नहीं खा लेंगे अच्छा लगता है ना। तो ये ग्रीन चिल्ली सॉस और ये मेरा ये सोया सॉस, सोया सॉस ज़्यादा भी मत डालना हाँ, इससे फिर ज़्यादा खट्टा हो जाता है। और आपको ज़रूरत पड़ी तो आप वो डाल लेना क्या विनीगर, तो मैं विनीगर ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मुझे ज़्यादा टमेटो टमेटो सॉस वो भी ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये किसान का, मैं ये किसान वाला ही यूज करती हूँ, वो अच्छा लगता है। ये डाल दिया और इसका कलर कितना अच्छा आया, इसका बड़ा मज़ा आ रहा है देख के है ना। और इधर मैंने ये धनिया पत्ती भी, धनिया और फिर मैंने ना थोड़ा फ्लेवर के लिए काली मिर्च ऐसे मैंने थोड़ा सा किया है, मुझे लग रहा था नमक कम लगेगा शायद, तो थोड़ा सा सब्जी के हिसाब से थोड़ा सा हम और ऐड कर देते हैं। और इसमें मसाले कुछ नहीं डालने हैं आपको, पड़ गया क्योंकि किचन में ना भीड़ भी अच्छी नहीं लगती है, किचन खाना बनाते हो किचन शाख होता भी रहना। अभी ये हो गया, अब मैं इसको डालती हूँ ये कॉर्नफ्लावर पाउडर, घोल बना के ऐसे डाल इसमें मैं अभी, क्योंकि मेरे को ग्रेवी वाली गोभी मंचूरियन चाहिए तो थोड़ा मुझे पानी ऐड करना है, गिलास से पानी लूँगी मैं, उसमें पानी डालूंगी क्योंकि ये इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया ना ये एकदम इतना नहीं, नहीं तो फिर मसाला हो जाएगा है ना। इसको क्योंकि थोड़ा हमको पकने के लिए भी चाहिए, नहीं तो कॉर्नफ्लावर पाउडर ना कच्चा रह जाएगा, थोड़ा देर पकाना है इसको तब ये पक के थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। वाह खाने में पता
अच्छा ही होगा मुझे, क्योंकि मैं आधी तैयारी, इसको टाइम लगता है वैसे, क्योंकि आराम से बनाओ तो अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे बीच बीच में अगर आप जल्दीबाजी करोगे ना तो गिर जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। स्टार्ट कर। ये अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं गोभी मंचूरियन, आधे डाले हैं ग्रेवी वाला है अभी, आधे की कितना वो होगा ग्रेवी करके मैं देख रही थी, है ना, कितना अच्छा कलर आया, बहुत अच्छा कलर। अभी फिर से ये डाल दिए, बहुत सुंदर, वाह। एक दिन ऐसे ना, आज तो मैं ऐसे बना रही हूँ घर के लिए, अभी एक ऐसे एक दिन मैं अपनी, मेरी फ्रेंड लोग हैं ना इधर गोवा में, उन सब के लिए ऐसे ही गोभी मंचूरियन बनाऊंगी, लाजवाब, वाह। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, वेट कम करना जरूरी है पर गोभी मंचूरियन का भी स्वाद लेना है। वाह, आपको कैसा लग रहा है? मुझे ना जब खाते समय बनाते समय गिर जाए तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि किचन साफ होना चाहिए। उसके ऊपर डालूंगी ना मैं, फिर अभी थोड़ी देर पकने देती हूँ। कैसा लग रहा? जितनी भी मेरी सहेलियां हैं गोवा में और जितने मेरे मित्रगण हैं वो गोवा आएंगे ना, मैं उनको ऐसे गोभी मंचूरियन खिलाऊंगी, और आगे कुछ भी ऐसे होगा मैं अपनी सहेलियों को भी यही खिलाने वाली हूँ अपने हाथ का एक बार। ओके बाय बाय। कैसा लगा आपको आज मेरी रेसिपी? अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये ग्रीन ऑनियन की लीफ, इससे ना और सुंदर लगता है। ये देखिए, ये फिर इसके बाद डालूंगी मैं, डाल दिया पूरा, ये वाह, पता नहीं मैं तो वाह वाह बोल रही हूँ, आप लोगों को देखने में कैसा लगेगा बताना। तो और अब डालूंगी मैं हरा धनिया, ये भी बारीक बारीक कट करना है, थोड़ा मैं लेफ्टी हूँ, माइंड मत करना, क्योंकि मेरा लेफ्ट ही हैंड ज़्यादा चलता है, क्योंकि राइट हैंड से ऐसे मेरे से गिर जाता है गिरने को, तो इसमें भी पर राइट हैंड मेरा कम चलता है।